हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। और भी ऐसी ही लेटेस्ट एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे। तो गाइस, आज हम करेंगे लाइट रूम में स्टाइलिश एडिटिंग, ठीक है? और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे मॉडल की फ़ोटो को हम करेंगे लाइट रूम में, ठीक है? एड टू LR। तो अब हम जाएंगे प्रोफाइल टूल में, ठीक है? और यहाँ पर आर्टिस्टिक सिलेक्ट करेंगे, आर्टिस्टिक 3, ठीक है? यहाँ पर इफेक्ट को हम फुल कर देंगे, ठीक है? और अब हम जाएंगे कलर टूल में, ठीक है? और अब फेस के ऊपर सेटिंग करेंगे हम, ठीक है? सैचुरेशन को हल्का सा डाउन कर देंगे और लुमियंस को बढ़ा देना है, ठीक है? और यहाँ पर वाइब्रेशन को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है? और टेम्प को यहाँ पर मैंने -4 तक रखा है, ठीक है? हल्का सा डाउन कर देना है। और टिंट को सेक कर देना है, ठीक है? थोड़ा सा बढ़ा देना है। और अब फिर से जाएंगे मिक्स टूल में और यहाँ पर थोड़ी सी कलर सेटिंग करेंगे, ठीक है? आप देख लीजिए। तो गाइस, अब हम जाएंगे इफेक्ट टूल में, ठीक है? और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है? और विग्नेट को थोड़ा सा डाउन कर देना है। और यहाँ पर शार्पनिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है? और नॉइज़ रिडक्शन को भी, और कलर नॉइज रिडक्शन को भी। ठीक है, और अब है लाइट टूल में हम, यहाँ पर ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है? लाइट टूल में। तो गाइज, अब हम हमारे फोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव, ठीक है? और जाएंगे स्नैपसीड में। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे मेनू में और लेंस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने पोज के हिसाब से भी सेट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ से कर देंगे डन। और यहाँ पर जो हैंड के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट लगा है उसे हम इरेज कर देंगे। और अब यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है?
अब फिर से जाएंगे मेनू में और सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करेंगे और फेस के ऊपर थोड़ा सा सेटिंग है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को डाउन कर देना है, ठीक है। और उसी तरह दूसरे पार्ट भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ से करेंगे डन, ठीक है। और फिर से जाएंगे मेनू में और ट्यून इमेज को सिलेक्ट करेंगे और सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। और कंट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और एम्बियंस को भी बढ़ा देना है, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ से कर देंगे डन और एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ से ट्यून इमेज, ठीक है। और फेस जो और बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट लगा है उसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ से कर देंगे डन फिर से जाएंगे मेनू में और पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कॉम्बो 2, हो गया। अब यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। तो गाइज अब हमारी फोटो रेडी हो चुकी है तो हम सेव कर लेंगे, ठीक है।